रोलर स्केटिंग यात्रा साढ़े बटाले पहुँच रही है। अज उहदा असीं निघा स्वागत कर रहे हैं। ये यात्रा दे विच बनारस तो 15 लड़कियां शामिल हो के आ रही हैं, जो कश्मीर तो लैके कन्याकुमारी तक का सफ़र रोलर स्केटिंग राही तय कर रही ने। यह यात्रा का साडा मंतव है कि ये मुख मंतव गाहक हित सुरक्षा, नारी सशक्तिकरण, बूटे लगाना, परिवर्तन, देखो अपना देश अते फिट इंडिया मैम तहत है। ये यात्रा का असी इत्थे पहुँचने ते निघा स्वागत कर रहे हैं, प्रशासन वालों कर रहे हैं, बेरिंग कॉलेज से भी इन्हों का असी अरेजमेंट कर रहे हैं, RR बावा जो इन्हों का असी ठहरन का अरेजमेंट कराया, प्रशासन वालों इन्हों असी जी आया वेलकम, इत्थे पहुँचने ते उन्हों का असी बहुत बहुत अभी उन्हों का स्वागत करांगे, वेलकम करांगे, हर तरह का इन्हों जो भी सहयोग होएगा प्रशासन वालों इन्हों दिता जाएगा। इन्हों की जी यात्रा वा एक कन्या कुमारी विखे विवेकानंद टैंपल विच जाके समाप्त होनी है। सो मैं प्रशासन वालों इस यात्रा का इत्थे आउण ते बहुत ही निघा स्वागत करता हाँ। चौरसिया बनारस से, और हम लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत अतुल्य भारत रोलर स्केटिंग यात्रा कर रहे हैं 2.5 इंच के पहिए पर। और हम ये सारे जितने स्केटर्स हैं बनारस में, हमारा राजेश डोगरा रोलर स्केटिंग स्कूल है, हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं, आप देख रहे हैं, इन्हीं के हम सब छात्रा हैं। और इतना बड़ा एक हम लोगों ने मोटो लिया है कि पूरे भारत वर्ष को 5000 किलोमीटर की यात्रा करके हम एक भारत श्रेष्ठ भारत का महत्व समझा सके। और जो हमारा उद्देश्य है कि हम पौधारोपण करें स्थानों पर, और मातृशक्ति और शिक्षा के लिए लोगों को जागरूक करें, ग्राहक जागो अवेयरनेस हम कर रहे हैं, कुपोषण मुक्त भारत हो इसके लिए भी हम प्रयासरत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सारी हमारे बीच जो आप स्केटर्स हैं ये सब कॉलेज वाली लड़कियां हैं, सब हम लोग सब कॉलेज वाले हैं। और हमारे साथ 8 लड़कियां हैं, 4 पुरुष भाई हैं जो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी 20 लोगों की टीम है, एक हमारे पास वैनिटी वैन है, 2 मोटरसाइकिल है। कश्मीर के लाल चौक से चलकर हम, आज 9वां दिन है, हम बटाला RR बाबा कॉलेज में रुकेंगे, और हमारा जो पूर्ण होगा यात्रा वो 25 दिसंबर को विवेकानंद रॉक कन्याकुमारी में होगा। हमारा सफ़र पूरा 90 दिन का है। आप हमारे इस यात्रा में 13 राज्य है जिसमें कि हम एक पार कर चुके, और जैसे ही हमने वो पठानकोट के पास वो बॉर्डर आता है वहाँ से हमने एंटर किया, हमको खुशी ये हुई कि हम एक कर चुके। अब 12 बजे तो पंजाब में आके हमें बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम राजेश डोगरा है। क्या मैंने पहले भी इसमें यात्रा में खुद अकेले 15000 किलोमीटर कर चुका हूँ, अब इन लोगों को लेकर के निकला हूँ श्रीनगर के लाल चौक से और कन्याकुमारी तक ये लोग जाएंगे। और मेरा अनुभव जो पहले का किया हुआ है वो इन लोगों के काम आ रहा है, कैसे चलना है, कितना कितना किलोमीटर पे रुकना है। और इसका मुख्य उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना, पर्यावरण, नारी सशक्तिकरण, एनीमिया मुक्त भारत, कुपोषण मुक्त भारत। हम लोग रास्ते में जो गाँव पड़ते हैं हमारे हाईवे पर, वहाँ रुक करके नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी लोगों को जागरूकता फैलाने का काम करते हैं। पुष्पा भारती, नमस्ते। का मतलब ये है कि हम लोग कश्मीर के श्रीनगर से जो है कि निकले एक भारत श्रेष्ठ भारत, देखो अपना देश, इसके अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी सशक्तिकरण। अपने जो आजकल की जो बेटियां हैं वो पढ़ नहीं पाती, अब पढ़ भी होती तो घर के चूल्हे चौके में ही रह के रह जाती हैं। इससे हमारा है कि जो बेटियाँ हैं देखें हम लोग को कि हम लोग अगर बेटियाँ कर सकती हैं, वो सिर्फ चूल्हे चौका ही नहीं, वो पढ़ के आगे बढ़ सकती हैं। और अपने देश में देखो, जो लोग जाते हैं फॉरेन कंट्री में घूमने के लिए, अलग अलग जो कंट्रियों में जाते हैं, अपने देश में भी बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां हम घूम सकते हैं। यहां पे ऐसी ऐसी जगहें हैं जो बहुत ज़्यादा ही आनंदमय है, जैसे कश्मीर में गए, कश्मीर बहुत ज़्यादा ही सुंदर है, पंजाब में इतनी ज़्यादा हरियाली है कि
कि धूप क्या और छाँव क्या कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बस हम लोग बस चले जा रहे हैं, किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं। इतनी हरियाली, इतनी ज़्यादा हवा है, अभी हम लोग रास्ते से आ रहे थे, इधर पौधे तो धूप का उतना असर नहीं हो रहा था, इस चीज़ का बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ हम लोग छाँव में चल रहे हैं, तो उसके मुकाबले जो है कि धूप का उतना असर नहीं हो रहा, इस हरियाली के कारण जो है हम लोग को बहुत ज़्यादा ही आनंदमय है। और हम लोग का एक और लक्ष्य है जो एक लाख पौधे लगाएंगे, और वो पौधे ऐसी जगह लगाएंगे जहाँ उसके संरक्षित हो सके, उसका देखभाल किया जा सके।